हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से और जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर इस वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया यह है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और ये नोटिफिकेशन जो है 12 जुलाई को रिलीज़ किया गया है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाला है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर विजिटिंग फैकल्टी इन द बायोकेमिस्ट्री इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंस है। तो यहाँ पे देखिए, विजिटिंग फैकल्टी के लिए जो पोजिशन है बायोकेमिस्ट्री में, वहाँ पर निकाली गई। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो आपका बायोकेमिस्ट्री का है और जो यूनिवर्सिटी हो जामिया हमदर्द है, ठीक है। अब बात करेगा पेमेंट की, तो यहाँ पे जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जामिया हमदर्द रूल्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको पे किया जाएगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, और आपका ये मास्टर डिग्री वो बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका नेट स्लेट या सेट जो है आपका एग्जाम क्लियर होना होना चाहिए और आपका जो पीएचडी है वो बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो आप जो है अपना डायरेक्टली आप जो है वॉक इन इंटरव्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल सीवी लेना है लाना है। इसके अलावा आपका अटेस्टेड कॉपीज कॉपीज होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट्स की, आपके टेस्टिमोनियल्स की, और आपको 13 अगस्त 2021 को 9:30 AM पे जो है वो यूनिवर्सिटी के बोर्ड रूम पे आपको जो है पहुंच जाना है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस दे रखा कि आप बोर्ड रूम फर्स्ट फ्लोर नियर VC ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली 11062। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, तो आपको अपना CV और अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे ले जाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी जो इन्होंने मेंशन कर रखी है 1 है, और यहाँ पे नो TADA शैल बी पेबल फॉर अटेंडिंग का सेम। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेवल अलाउमेंस या अटेंडेंस अलाउमेंस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया वो नागालैंड यूनिवर्सिटी से आया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग एंड टीचिंग पोस्ट अंदर नागालैंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकाला है और जो टीचिंग पोस्ट के लिए भी निकाला है। तो यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी नोटिफिकेशन है, डायरेक्टर या कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, इसके लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन को निकाला गया है, और दोनों जो है वो ग्रुप ए की पोस्ट है। और जो रिजर्वेशन है वो आपका अनरिजर्व है 1 और अनरिजर्व 1 यानी वैकेंसी भी यहाँ पे मैंसन कर रखा है। इसके अलावा पे लेवल जो है वो आपको लेवल 14 का यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, टीचिंग पोजीशंस को भी निकाला गया है। अगर हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे एकेडमिक लेवल 13A का जो है आपको पेमेंट दिया जाएगा। वहीं पे TANI DI डिपार्टमेंट और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 1-1 वैकेंसीज है, और 1 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व है TANI DI डिपार्टमेंट में, और EWS कैटेगरी में 1 वैकेंसी जो है वो है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में। अगर बात करें डिजायरेबल एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का, तो अगर आप जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए अप्लाई करें तो आपका जो है प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक जो है वो आपका जो है डिजायरेबल एरिया होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को, तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको जो पे लेवल है वो 10 दिया जाएगा, और यहाँ पर डिपार्टमेंट फिजिक्स में एक पोजीशन निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जो रिजर्व है SC कैटेगरी। तो अगर आप SC कैटेगरी के हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज अगर आप जनरल है OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो स्पेशलाइजेशन वो आपका फिजिक्स में ओपन इन कर रखा है, यानी कि अगर फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स किसी भी स्पेशलाइजेशन कोई सा भी स्पेशलाइजेशन हो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा फाइनेंस ऑफिसर का, तो यहाँ पे देखिए अगर मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, और यहाँ पे 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म में इन द एकेडमिक लेवल 11 में, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दे रखे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी देखने को मिलेगी। तो अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा, वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹500 जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने अकाउंट नंबर दे रखा है, साथ ही साथ IFSC कोड दे रखा है, तो आप डायरेक्टली जो है ये पेमेंट जो इनके अकाउंट में डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है चालान के थ्रू भी जो है अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट करना मस्ट है, पेमेंट करने के बाद ही जो है आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है।
तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे, अगर इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैंने आपका डिस्कस कर लिए है। तो ये जो है, ये हमारा जो नोटिफिकेशन है वो नागालैंड यूनिवर्सिटी से आया। अब देख लेते हैं हम कुछ और यूनिवर्सिटीज़ का नोटिफिकेशन। तो नेक्स्ट हमारा है, ये है रामसेठ ठाकुर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, जो कि सेल्फ फाइनेंस है। यहाँ पर भी एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ एकेडमिक ईयर 2021 to 2022। यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट स्टडीज, केमिस्ट्री, बॉटनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट के लिए जो यहाँ पे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड। तो अगर हम बात करें आप क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो आपकी एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। और यहाँ पे अगर आप जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अपना CV अलॉन्ग विद दैट योर टेस्टीमोन सपोर्टिंग टेस्टीमोनियस इट शुड सेंड टू चेयरमैन JBSP संस्था रामसेठ ठाकुर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 33, खारगर, नवी मुंबई 410210। और जो लास्ट डेट यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव करने की वो 20 जुलाई 2021 है। तो अगर आप जो है इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप अपना जो CV है वो सेंड कर सकते हैं, और या हम कहें एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाई मेल के थ्रू भी। तो यहाँ पे मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसी पे आप जो है यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जो कि है श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी से आया है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये यूनिवर्सिटी रायपुर में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे देखिए डीन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, विजिटिंग फैकल्टी, इन सब के लिए पोजिशंस को यहाँ पे निकाला गया है। और टीचिंग पोजिशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो साइंस से बिलोंग करते हो चाहे नॉन साइंस से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, तो इन सब के लिए भी यहाँ वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट को भी निकाला गया, तो अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड तो उसके लिए भी आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप